अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़े मज़ेदार सी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को एक ऐप की फ़ीचर्स बताऊँगा, बेसिक्स बताऊँगा, जिसमें आप इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसान हो गई है, वो भी मोबाइल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ऐप चाहिए वो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है, जिसका नाम है कपकैट। अब कैपकट को आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ, ओपन कर लिए मैंने। तो यहाँ पे देखें, इस तरह का आपको इंटरफेरेंस नज़र आएगा, जिसमें आप न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है सबसे पहले, जिसमें आप वीडियो के इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। जैसे अब मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक वीडियो उठा लेता हूँ। मैंने ये वीडियो ले ली, मैंने ऐड के बटन पर क्लिक कर दिया। अब मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया। अब मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ से इसकी साउंड को तब्दील कर सकता हूँ, जो कि पीछे बैकग्राउंड साउंड है उसको तब्दील कर सकता हूँ ऐड साउंड करके। यहाँ से देख सकते हैं मैं इसके अंदर कैपकट के अंदर जो अपने साउंड है वो भी ऐड कर सकता हूँ, और इसके अलावा एक्सटर्नल में अपनी ऐप में से भी या मोबाइल में से भी डाउनलोड किए हुए सॉन्ग इसके पीछे लगा सकता हूँ। इसके अलावा ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर कुछ भी वीडियो के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टी लवर ऐड कर दिया। अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से। इसको टेक्स्ट को तब्दील भी कर सकता हूँ, फॉन्ट को चेंज भी कर सकता हूँ, मुख्तलिफ फॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ, मुख्तलिफ स्टिकर यूज़ कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट, स्टाइल, इफ़ेक्ट्स, बबल्स, एनिमेशंस, ये सब मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैंने इफ़ेक्ट्स पर क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट्स में मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आ गए हैं। यहाँ पर मैं देखें बबल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बबल्स भी आ जाएंगे, मुख्तलिफ एनिमेशन पे क्लिक करूँ तो एनिमेशन पे भी आ जाएंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ से वीडियो में ये टेक्स्ट आ जाए वहाँ पर सिलेक्ट कर दूँ। यहाँ पर स्टिकर भी लगा सकता हूँ, इमोजी भी लगा सकता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिकर भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से देखें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, फिर से मैं वीडियो सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखें वीडियो, कोई भी जेन्यू वीडियो सेलेक्ट कर ली। अब मैं आपको बताऊँ, इसको मैंने क्रॉप कर सकता हूँ, इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स डाल सकता हूँ। जैसे कि ये देखें इफ़ेक्ट्स, और ये मैं यहाँ पर मुख्तलिफ इसके गाइड थंबनेल भी बना सकता हूँ इजीली, जो यूट्यूब के लिए मुझे काम आए। तो मैं अगर यूट्यूब पे अपलोड करना चाहूँ थंबनेल भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, मुख्तलिफ तरीक़े से टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, स्टाइल चेंज कर सकता हूँ वीडियो का, इसमें इफ़ेक्ट्स डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करता हूँ, वीडियो इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ, तो ये देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स में आ जाते हैं। मैं अगर कोई भी एक फ़िल्टर सेलेक्ट करके लगा देता हूँ इस वीडियो पे, ये डाउनलोड, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला है तो इसमें डाउनलोड नहीं हुए, डाउनलोड एक ही बार डाउनलोड होंगे। अब ये देखें मैंने इसमें इफ़ेक्ट्स डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, इस तरह का इफ़ेक्ट आ जाएगा ये। तो आप भी बहुत ही इजीली इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं और वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इफ़ेक्ट्स को अगर आपने पूरी वीडियो पर लगाना है तो आपने वीडियो को सिलेक्ट करके तो नीचे इफ़ेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, और इसको जहां तक इफ़ेक्ट्स डालने हैं वहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आपने कोई पर्सन की वीडियो है तो उसमें आप बॉडी के इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं।
इसी तरह आप वीडियो में हेयर डाइंग मुख्तलिफ किस्म की इफ़ेक्ट्स इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के आपके हेयर्स चेंज हो सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने एक वीडियो सेलेक्ट की, इसमें मेरा पर्सन की वीडियो है, तो आप इसमें पर्सनल जो पर्सन के इफ़ेक्ट्स हैं वो चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, मैंने एक सेलेक्ट किया तो ये इसमें इफ़ेक्ट्स चेक कर सकते हैं जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। ये दूसरा इफेक्ट है जो बहुत ही ग्लासी और बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट्स आते हैं इसमें, ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितना कूल इफेक्ट्स है। अब इसे मैं सेलेक्ट करके पूरी वीडियो को लगाना चाहूँ तो पूरी वीडियो पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा, यहाँ से नीचे से ड्रैग करके मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। देखिए मैं ओवरले पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं वीडियो की के अंदर वीडियो पे प्ले करना चाहता हूँ तो मैं वीडियो या बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड भी इजीली चेंज हो सकता है। यहाँ से बैकग्राउंड चेंजिंग की वीडियो मैं अलग से डाल दूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं स्टिकर लगाना चाहूँ स्टिकर लगा सकता हूँ, इमोजी के लगाना चाहूँ इमोजी लगा सकता हूँ। इफ़ेक्ट्स आप चेक कर सकते हैं, देखिए इमोजी मैंने लगा दिया, ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपने लगाना है, और यहाँ पर ड्रैग करके नीचे उसको पूरी वीडियो पे भी लगा सकते हैं। और इमोजी के भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, इमोजी को भी आप इफ़ेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया अभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की जो कंट्रास्ट को इन्हांस कर सकते हैं, ब्राइटनेस को इन्हांस कर सकते हैं, शार्पनेस को इन्हांस कर सकते हैं, कलर्स को इन्हांस कर सकते हैं। आप यहां से अब यहां देख सकते हैं मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं, यहां पे फुल कलर्स, आपने अगर वीडियो में कलर्स की कमी है तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैपकट ऐप है, आप इसको यूज़ करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, वीडियोज़ में इफ़ेक्ट्स क्लासी और ज़बरदस्त आते हैं। वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देखें आप इसको तेज़ कर देता हूँ वीडियो को, और वीडियो को आप स्लो मो बनाना चाहते हैं स्लो मो भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखें वीडियो में मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स फ़िल्टर्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िल्टर्स में गया मैं और शार्पनेस मैंने तेज़ कर दी, बहुत ही इजीली आप मोबाइल के ज़रिए, कोई आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें इफ़ेक्ट्स डाल लेंगे आप उसमें, आप देख सकते हैं कितनी ग्लासी हो गई है, सिर्फ कोई पोर्शन जो है वो कलरफुल है और कोई ब्लैक एंड वाइट, कितना कूल लग रहा है आपके सामने। मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स फ़िल्टर्स चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ये वाला फ़िल्टर लगाता हूँ तो देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त फ़िल्टर लग गया, ये देख लें। फिर आपको एक वीडियो में मैं इसके लोगों को हटाने का तरीका भी बताऊँगा, इस तरह आप एक कप कैट के लोगों को आप हटा सकते हैं ताकि आप यहाँ पर आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में बना सकते हैं इफेक्ट्स और फिल्टर्स और बैकग्राउंड में बना सकते हैं, बहुत ही क्लास होगा। यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, ज़बरदस्त ऐप है। तो आपको उसका ट्यूटोरियल में अगली वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा और आपको एक एक चीज़ को एलिब्रेट करके आपको सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, शुक्रिया।